बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आ जाई हूँ नई रेसिपी लेके। क्या बना रही हूँ मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी। लाइक ऑलवेज मैं हमेशा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए। जो मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैं किसी को सिखा नहीं रही हूँ। ये मेरा तरीका है बनाने का, चीजें करने का, ये मेरा तरीका है। आप लोगों के पास डिफरेंट तरीके होंगे चीजों करने के लिए, सो प्लीज आप मुझे इस चीज के लिए बिल्कुल भी मत जज कीजिएगा कि मैं किसी को सिखाने के लिए कर रही हूँ। मुझे पता है और मैं बिलीव करती हूँ कि मेरे से बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे तरीके से कुकिंग करते हैं और अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से खिलाते होंगे। मैं अभी जो बनाने जाती हूँ, जो मैं अपनी वीडियो पे बना रही होती हूँ, वो मेरी एवरीडे कुकिंग है। जो मैं अपने बच्चों के लिए बना रही होती हूँ, वही मैं आपको दिखा रही होती हूँ। सो इट्स नथिंग स्पेशल कि मैं इस वीडियो के लिए ही वो बना रही होती हूँ या फिर मेरा जो बनाने का तरीका है इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। नो इट्स नॉट, इट्स जस्ट अ नॉर्मल एवरीडे कुकिंग जो एक माँ अपने बच्चों के लिए बनाती है, अपनी फैमिली के लिए बनाती है। ओके, आज मैं बना रही हूँ चिकन मसाला। और मैं उसके लिए आपको पहले बताती हूँ कि मैं क्या यूज कर रही हूँ। मैंने 1 kg चिकन ले लिया था जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर रहा था। वॉश करने का तरीका हर एक अपना डिफरेंट होता है, लेकिन मेरा वॉश करने का तरीका यह होता है कि मैं इसे पहले सॉल्ट और विनेगर लगा के रख देती हूँ और उसके बाद कोई आधे घंटे के बाद उसको वॉश कर लेती हूँ। मुझे थोड़ा इन चीजों के लिए मैं थोड़ा फसी अबाउट देम थिंग्स। सो ये मैंने चिकन को साफ करके रख दिया है। मुझे इसके लिए 2 टमाटर चाहिए हैं, 3 प्याज चाहिए हैं, गार्लिक और जिंजर एज यू नो कि ये इम्पोर्टेंट है इन कुकिंग, इन स्पेशली इन एशियन कुकिंग। सो आई गॉट सम ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज मैंने 2 डिफरेंट ली हैं। ये वाली जो ग्रीन चिलीज ली है वो मैंने हांडी के अंदर डालूंगी व्हाइल आई एम कुकिंग मैं ये डालूंगी, और ये वाली जो ग्रीन चिलीज हैं दे आर फॉर गार्निशिंग ओनली। सही, सो ये हो गई है द इनग्रीडियंट्स विच आई नीड। ओके, अब मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी। ज्यादा देर के लिए नहीं मैरिनेट करूंगी, जितनी देर में मैं बाकी की प्रिपरेशन करूंगी, चॉपिंग करूंगी, उतनी देर में ही के लिए मैं चिकन को मैरिनेट होने के लिए रखूंगी। सो मैं इसमें अपनी चिकन डाल देती हूँ। लाइक आई सेड, मैंने 1 kg चिकन बोनलेस थाई ब्रेस्ट लिया है, और अब मैं इसके अंदर योगर्ट डाल रही हूँ। योगर्ट के साथ मैंने यहाँ पे कुछ मसाले ऑलरेडी निकाल के रखे थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून से ज्यादा थोड़ा सा नमक है, और अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट। मैं अभी हमेशा यही बात करती हूँ कि जो मेरे स्पाइसेस और जितने भी सारी चीजें हैं, मैं अपने बच्चों और अपनी फैमिली के हिसाब से डाल रही हूँ, लेकिन यू अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट। सो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जीरा डाला है और थोड़ी सी रेड चिलीज डाली हैं जितना मुझे रिक्वायर्ड है। मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट लिया है। इफ आई नीड मोर मैं इसमें टॉप अप कर लूंगी, लेकिन फॉर नाउ इट्स जस्ट 2 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट, ऑफ चिली, सॉल्ट एंड व्हाट्स इट्स कॉल्ड, जीरा। ओके, ये हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर भी डाल सकते हैं। मैं अभी लेमन जूस डाल रही हूँ। सो सबसे हार्ड है इसको खोलना, फाइनली आई ओपन्ड इट। और अब मैं डाल रही हूँ, लेकिन ये भी अगेन ये मैं अपने अंदाजे से ही डाल रही हूँ। ये तकरीबन क्या होगा, 1 बिग स्पून होगा, टेबल स्पून होगा, जो कि मैंने डाला है अंदाजे से। सही, सो लेट मी मिक्स देम अप। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज यू नो कि मेरे हस्बैंड को चाय पकनी पसंद है, सो लेट पुट हिज टी ऑन फर्स्ट। इसलिए मैं कह रही हूं कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि हमने उनकी चाय रखने के बाद तो भूल जाना है, पकते देनी है, पकने देनी है, पकने देनी है, पकने देनी है। सो
मैं इनकी पहले चाय रख देती हूँ और फिर मैं आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। सो मैंने ये शुगर डाल दी है, मैंने अब इसमें टी बैग्स डाल दिए हैं, लेमन कोसम वाला चीज इन और देन इट्स ऑलरेडी फॉर कुकिंग लाइक फायर। एट टाइम्स मैं उन्हें ये कहती हूँ कि ऐसा लगता है कि मुझे आपके चाय नहीं, मुझे आपके फायर बनाने पड़ते हैं। सो प्रॉपर कड़ी हुई चाय, प्रॉपर पाकिस्तानी ढाबा स्टाइल उनको चाय पसंद है। सो चाय रख देती हूँ और मैंने इसका चूल्हा जला लिया है, ऑयल मैंने थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया है लेकिन मैं उसको साइड पे रख देती हूँ। उससे पहले मैं अपनी बाकी की चॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में भी आपको आई बिलीव कि मैंने बताया था कि मैं जो भी प्याज टमाटर जितने भी हैं मैं उसको इस तरह से चॉपर में डाल के चॉप करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है उनका बीच में अगर उनको कुछ भी खाने के बीच में कोई भी अगर प्याज या टमाटर का कोई भी पीस आता है सो इसलिए मैं उनके लिए चॉप कर देती हूँ। सो लेट मी चॉप द प्याज फर्स्ट। यू नो लास्ट वीडियो में भी ऐसे हुआ था कि मैंने ऑनियंस चॉप करी थी और मेरे आईज इतनी वॉटरी हो गई थी कि मुझे वीडियो को स्टॉप कराना पड़ा था। सो आई होप कि अब ऐसा ना हो। आई होप लेट रेस्ट ऑफ द प्याज। प्याज को मैं डाल के पहले चॉप कर दूंगी और साथ में गार्लिक और जिंजर भी डाल देती हूँ। सिर्फ मैंने जिंजर डाला है। मैंने क्या किया कि मैंने प्याज और अदरक जो मैंने चॉप किया था वो मैंने डाल दिया है। मैंने थोड़ी देर के लिए ऑयल को प्री हीट किया था और अब मैंने इसमें प्याज और अदरक डाल दिया है और मैं इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए रख दूंगी। तो प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। आई डोंट वॉन्ट मच ब्राउन लेकिन मुझे सिर्फ थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है जिसको जैसे ही वो थोड़ा सा क्लियर होगा तो मैं इसके अंदर बाकी की चीजें डालना शुरू कर दूंगी। सो लेट मी रन माय मिर्ची और टमाटर एंड पहले मैं टमाटर डालती हूँ तो गार्लिक उसमें स्ट्रिप ना हो। सो इसमें टमाटर चला गया टमाटर मैंने भी लिए थे। यूजली मैं क्या करती हूँ कि टमाटर प्यूरी थोड़ी सी डालती हूँ। सो अभी अगर मुझे थोड़ा सा कलर चेंज करना होगा सो मैं उसको थोड़ा सा डाल दूंगी लेकिन फॉर नाउ अभी के लिए ठीक है। सो टमाटर अंदर डाल दिए इसके थोड़ा सा। पता है मैं इसको चॉप करते हुए पानी क्यों डालती हूँ, इसलिए कि जो चॉपर है समटाइम्स स्टक हो जाता है तो मुझे उसको बार बार हिलाना पड़े, इसे विदर है इसे थोड़ा सा पानी डाल दूं थोड़ा सा उसको मॉइस्ट। अब मैंने टमाटर चॉप कर दी है, मैं अपनी हरी मिर्चें डालूंगी। व्हाट यू वांट बब्स? नो पेपर। ओके सो अब मैंने ग्रीन चिलीज डाल दी है, अब मैं इसमें गार्लिक डाल रही हूँ। Do you want banana bubbles? No. What this? Okay, cucumber you want? Yes. Okay. Here. Shall I cut it like that? No. How? No. Just eat the bubbles. No. What? No. What? Not touch it. No, bubble. Yeah. Here, bubbles. Not touch it. Shall I cut it or not? No. Here. Putri, go. Take it. ओके गो ठीक है टू टीटीज। ओके ये हो गया है मेरे ग्रैंड। जितनी देर मेरे प्याज थोड़े से ब्राउन हो रही है मैं आपको बता देती हूँ क्या कर रही हूँ मैं अभी। आई थिंक इट्स नीड सम मोर टाइम। ओके मैं आपको उतनी देर स्पाइसेस का बताती हूँ थोड़ा सा मैंने क्या यहाँ पे किया है। मैंने यहाँ पे हांडी बनाने के लिए थोड़ी सी रेड चिलीज और ली है, गरम मसाला लिया है, टर्मरिक लिया है
और यहाँ पे मैंने अजवाइन ली है, थोड़ा सा चाट मसाला रखा है और अचार गोश्त मसाला डाला है इसके अंदर। मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा पसंद है, इस वजह से ये मैं चीजें डालने वाली हूँ उसके अंदर। वंस इट्स प्याज ब्राउन हो जाए फिर मैं इसके अंदर ये डालती हूँ। प्याज भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। नाउ अब इसके अंदर मैंने टमाटर जो मैंने ग्राइंड किए थे एंड गार्लिक वो मैं इसमें डालूंगी। यू नो मेरे व्हाइल आई एम मेकिंग हांडी ना मेरे इतने साथ साथ काम चल रहे हैं, इतने साथ साथ काम चल रहे हैं। इतनी देर में ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग की थी वो भी आ गई है, और वो भी उसको सिर्फ रिसीव नहीं करना होता है, वी नीड टू पुट देम अवे। जो फ्रीजर की चीजें हैं वो फ्रीजर में जानी थी, और जो डिफरेंट चीजें बच्चों की चीजें थी वो वी नीड टू हाइड फ्रॉम देम, कि वो एक ही दफा जब वो बिस्किट्स चॉकलेट्स वगैरह शुरू करते हैं दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप। सो उतनी देर में ये सारी चीजें हो रही थी है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें डाल दी है प्याज में डाल दी है टमाटर मिर्ची जिंजर गार्लिक एवरीथिंग इज इन नाउ। सही, अब मैं थोड़ा सा इसको नियरली अबाउट 2 मिनट्स के लिए रखूंगी। जितनी देर में ये हो रहा है ये अपना थोड़ा सा भून जाता है, मैं उतनी देर में आपको बताती हूँ कि मैं मीनवाइल क्या कर रही हूँ। बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, सो मैं अपनी मामा के लिए बना रही हूँ चना चाट साथ में। सो अभी मैंने क्या किया था, मैंने किया था बस प्याज टमाटर, मामा को प्याज ज्यादा नहीं पसंद है इस वजह से मैंने बहुत थोड़ा सा प्याज डाला था, टमाटर डाला है और क्यूकमर डाला है और थोड़ी सी ग्रीन चिली डाली है। अब मैंने रख दी है फुल्कियां, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस कॉल इट, लेकिन मैं हम लोग इसको फुल्कियां कहते हैं, कुछ लोग इसको बूंदी कहते हैं। मैंने इसको पानी में डाल के इसको गर्म बॉइलिंग वाटर में डाल के सोक करने के लिए रख दिया है। ये थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएंगी 5 मिनट में। जितनी देर में ये सॉफ्ट हो रही है यू नो वॉट मैं यूज कर रही हूँ 10 पोटेटोज एंड 10 चने। सो मुझे उसके लिए उनको बॉयल नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इट्स जस्ट अ क्विक जॉब। सो अब मैंने ये सारी चीजें पहले से कट करके रख दी थी, अब मैं आलू इसमें डाल देती हूँ और जितनी देर मेरा मसाला भून रहा है उतनी देर मैं ये साथ साथ ये भी करती रहती हूँ ताकि मैं अपनी मामा को दे दूँ, उनको चाट खानी है। ओके सो लेमन पॉसम चने, अब क्या डालना है, अभी लेमन क्लीन अप अ बिट, अभी मुझे कुछ नहीं डालना है, लेट मी मिक्स देम ऑल प्रॉपरली एंड पुट सम लेमन जूस, दैट्स इट। ये डल गया है, अब मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ डालूंगी नमक और चाट मसाला, इसके अलावा नथिंग एल्स, और दही। सॉरी दही तो मेन इंग्रेडिएंट है ना, एवरीबॉडी नोज। सो नमक डल गया है, सॉल्ट इन, दैट्स इट, इट्स रेडी टू एक्सपोर्ट नाउ, दैट्स इट। तो हमारा मसाला गया है भुन, जो मैंने अभी आपको बताई थी जो भी स्पाइसेस मिर्ची गरम मसाला हल्दी ये सब कुछ मैं अंदर डाल रही हूँ। अगेन मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरे बच्चे बैकग्राउंड में चीखते चलाते रहेंगे, मैं इनको इसमें ये डाल गया है और इसमें यहाँ पे अजवाइन चाट मसाला एंड अचार गोश्त मसाला, सो एवरीथिंग इज इन, मसाले डल गए हैं मेरे। अब मैं थोड़ी देर के लिए बस भूनूंगी कि थोड़ा सा ऑयल छोड़ दे मेरा मसाला, फिर मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। आई माइट पुट सम वाटर कि थोड़ा सा मसाले जो है मिर्ची जो है वो थोड़ा सा प्याज में मिक्स हो जाए, अदरवाइज मुझे थोड़ा थोड़ा सा ड्राई लग रहा है इस वजह से। मेरे पास टमाटर डालने की और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ
सिर्फ इस वजह से डाल रही हूँ कि जो मसाले हैं वो प्याज में और टमाटर में मिक्स हो जाए थोड़े से, दैट्स इट। वरना चिकन जो है वो अपना खुद का पानी छोड़ेगी और वो उसी में पकेगा, मैं उसमें उसके लिए पानी नहीं डालूंगी। सो दैट्स डन एंड इसके ऊपर लिड चली गई है और अब मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए एटलीस्ट रखूंगी ताकि ये अपना थोड़ा सा ऑयल छोड़ दे और फिर मैं इसमें चिकन डालूंगी। सो मसाला भुन गया है एंड इट्स नाइस ऑयली एंड जूसी नजर आ रहा है मुझे। यही मैं चाहती थी कि मैं इतना ही करना चाहती थी, भुनना चाहती थी कि ऑयल जो है मसाला अपना ऑयल छोड़ दे। अब मैं क्या करूंगी, बस इसमें सिंपल इसमें चिकन डाल दूंगी जो मैंने मैरिनेट होने रखा था 200 साल पहले। सो जस्ट जोकिंग, मैंने असल में मैंने आपको बताया कि चॉपिंग जितनी देर में करूंगी उतनी देर में ये सारी चीजें हो जाएंगी, मैरिनेट उतनी देर तक ही करूंगी। लेकिन ज्यादा देर इसलिए रखा क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी रोस्टीवी की डिलीवरी आनी थी। खैर एनीवेज, ये सब हो गया है। अब मैंने चिकन डाल दिया है जो मैरिनेट किया था दही में मसालों में। अब मैं इसको एक अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और इसमें अब पानी नहीं डालूंगी। पानी ना डालने की रीजन वही है कि अपना चिकन पानी खुद छोड़ेगी। अब अच्छे से बस इसको मैं मिक्स कर लूँ ताकि चिकन जो है वो मसाले में रच जाए और मैं इसको बहुत लो फ्लेम पे अब छोड़ दूंगी ढक्कन देने के बाद। तो इसके बाद जैसे ही ये कुक हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ उसके बाद मैं गार्निशिंग करूंगी। लेट इट कुक। ओके सॉरी गाइज, मैं इसमें चने भी डालती हूँ। मुझे लाइक आई सेड, मैं बहुत रेगुलर बहुत एक नॉर्मल सी वीडियो बना रही हूँ जो कि एवरीडे इंसान जो यूजली बनाते हैं घर में, हांडी भूल जाते हैं, डाल लेते हैं, कम हो जाता है, टॉप अप कर लेते हैं। सो मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि मैं इसमें चने भी डाल रही हूँ। सो मैंने चने का एक टिंग इसमें डाल लिया है। सो मैं चिकन के साथ इसको रखूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो ये बॉइल है लेकिन जब चिकन अपना पानी छोड़ेगा तो चने साथ में ज्यादा अच्छे भुन जाएंगे। सो अब मैं इसको दोबारा रख रही हूँ दम पे। ओके सो हमारा चिकन मसाला बन गया है। मैं आपको उसकी फाइनल लुक दिखा दूँ। मैंने सिर्फ इसमें गार्निशिंग के लिए जो चिलीज पहले डाली हुई थी वो थोड़ा सा अनियन और टमाटर डाला है एंड कोरिएंडर, दैट्स इट। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और हम लोग हंग्री भी बहुत ज्यादा। सो मेरा चिकन मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है और सारी चीजें इसके ऊपर मैंने गार्निशिंग में डाल भी दी है। लेट मी गेट सम आउट और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मेरा चिकन मसाला हो गया है रेडी और लाइक मैंने आपको बताया था हमारे बच्चे और हम बहुत भूखे हैं और रेडी हैं फॉर ईट अ डिनर। सो मेरी तरफ से खुदा हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। प्लीज शेयर, कमेंट एंड प्लीज 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 गिव अस अ थम्स अप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सी अल्लाह हाफिज, सी बाय।